नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। 52.4 का स्टॉक हो चुका है और 4% की रैली यहां पर आई है। 22-23 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में, देखिए Q3 नंबर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारी कंपनीज ने आज भी अनाउंस करा है एंड विद दैट आईडीबीआई बैंक को लेकर के भी काफी एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ गई है। कितना यहाँ पर माल बन सकता है आपका आने वाले दिनों में, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट कैसे रह सकते हैं, क्या आपको इस समय निवेश करना चाहिए स्टॉक में या नहीं, उसकी भी चर्चा होगी इस वीडियो में। क्या टारगेट लेकर खरीदारी करें वहां पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड फिर बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जहां तक बात रही इस स्टॉक की, तो स्टॉक ने एक अच्छा हाई लगाया था अराउंड दिस प्राइस का, ठीक है 60 के आसपास का ये हाई लगाया था और यहाँ से लगातार तेजी से गिरावट हुई थी। अभी स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट मेंटेन किया है काफी टाइम से, दिसंबर क्वार्टर से अगर आप बात करें, दिसंबर से लेकर के लगातार एक अच्छा सपोर्ट मेंटेन किया है। अपर साइड पे अगर आप देखो, जो पहला टारगेट आपका हो सकता है दैट इज अराउंड 57 रुपीज के आसपास का, इस समय स्टॉक आपका 54 के लिए ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर आप बात करो तो स्टॉक की ट्रेजेक्ट्री अच्छी है, जहां तक आप देख सकते हो स्टॉक में एक अच्छा खासा रिबाउंड जोन बना हुआ है। RSI की जहां तक बात रही, आप RSI देखो 59 पॉइंट्स के आसपास का RSI ही, यानी कि स्ट्रांगली बुल रन में, और हिस्टोग्राम आपके देख लो अपर साइड बन रहे हैं एंड MACD भी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। तो ओवरऑल अगर आप खरीदारी की बात करते हो तो जो चार्ट पैटर्न है आपका बिल्कुल बाय सिग्नल यहां से आ रहा है, तो बिल्कुल खरीदारी वाला चार्ट पैटर्न है। बट दैट डजंट मीन कि आपको तुरंत जाकर के बाय करना है। दो कारण है उसके पीछे। पहला ये है कि आईडीबीआई बैंक बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है आपका, और इस समय अगर आप रिस्क फ्री स्टॉक्स ढूंढ रहे हो तो दिस माइट नॉट बी द फर्स्ट वन, ठीक है। अभी की अगर आप बात करो, थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे, और उसके पीछे भी कारण है। पहला है प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी फाइनेंशियल ईयर में इसको प्राइवेटाइज करने वाली थी, अभी के रिस्क को टाल दिया गया है, बट स्टिल थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे वेट करते हो तो आपको ये प्राइवेटाइज होता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल देखो, खरीदारी अगर आप करने जा रहे हो तो एक ऐसे स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए जो सेफ हो। आईडीबीआई बैंक इज वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक, वन आई वुड से कि इट वाज वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक, बट इस समय अगर आप बात करो आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, आईडीबीआई बैंक काफी वॉलेटाइल जोन में है आपका, इसी वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ पर सब्र करना पड़ सकता है। लोअर एंड पे 46-48 का आपको सपोर्ट मिलेगा, पहला टारगेट आपका 58 का होने वाला है। अगर आप यहाँ पे खरीदारी करने जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। अपर एंड पे अगर आप बात करो तो पहला जो टारगेट हो सकता है, सेकंड टारगेट इज अराउंड 65 रुपीज का। बिल्कुल खरीदारी करने का जोन है, बट रिस्क फ्री स्टॉक नहीं है, तो वो आपको माइंड करना पड़ेगा। आरएसआई की जहां तक बात करें, आरएसआई आपका ठीक ठाक चल रहा है, मैकडी आपका बढ़िया चल रहा है। जहां तक बात करें इसके फंडामेंटल्स की, देखिए Q3 को लेकर के बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट यस यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा खासा जंप, 600 करोड़ तक के आसपास का नेट प्रॉफिट और 5000 करोड़ के आसपास तक का दिसंबर क्वार्टर का जो आपका एक रेवेन्यू है वो आता हुआ दिखाई देगा। बहुत बड़ा जंप यहाँ पर नहीं आने वाला है, तो उसको लेकर के चर्चा नहीं हो रही है। मार्जिन में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं इस बार, क्योंकि 8% तक की गिरावट मार्जिन में हुई थी। एक बड़ा बैंक है और खरीदार भी है यहाँ पे, तो अगर मार्जिन में इंप्रूवमेंट होती है तो यहाँ से शुरुआत हो सकती है आईडीबीआई के सेलिंग प्रोसेस से। बिल्कुल देखो, खरीदारी करते हो तो रिस्क फ्री नहीं है, बट पैसा यहाँ पर बन सकता है। 65 तक के टारगेट आपको यहाँ पर आने वाले 3 से 4 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी, बट बिफोर दैट आपको रिस्क थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। खरीदारी कर रहे हो या नहीं प्लीज कमेंट करके शेयर करना। लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपके स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट बिलो, पूछना हो तो थैंक यू।